चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड इंडस्ट्री को पिछले कुछ सालों में चाइना के रूप में एक जबरदस्त मार्केट मिला है। हाल ही के दिनों में आमिर खान की फिल्म दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार ने चाइना के बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया और वहां से जबरदस्त कलेक्शन भी किया है। अब खबर आ रही है कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान को जल्द ही चाइना में रिलीज किया जाएगा। कबीर खान के निर्देशन में बनी सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान 2 मार्च को पूरे चाइना में एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म चाइना में करीब 8000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। इंडिया में यह फिल्म 2015 में ही आई थी और फिल्म ने करीब पूरे दुनिया से करीब 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। अब जाहिर है कि चीन में रिलीज होने के बाद भी कमाई का आंकड़ा और भी मजबूत होगा। आपको बता दें कि फिल्म का पहला पोस्टर बजरंगी भाईजान का रिलीज कर दिया गया है। इस पोस्टर में चाइनीज में बजरंगी भाईजान का नाम लिखा गया है। इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में शेयर किया जा रहा है और दर्शकों को इस पोस्टर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान खान के साथ इस फिल्म में करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे वो मजह कलाकार फिल्म में नजर आए थे। चीन में बजरंगी भाईजान का फिल्म का टाइटल होगा लिटिल लोलिता मंकी गॉड अंकल। बजरंगी भाईजान की कहानी हनुमान भक्त बजरंगी की कहानी है, जो गलत से भारत और पाकिस्तान बच्ची को छोड़ने के लिए पड़ोसी मुल्क जाता है। अब देखना ये होगा कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करने के बाद क्या चीन के मार्केट में सलमान खान की दबंगई चल पाती है या नहीं। यह तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा कि फिल्म चाइना में कितने की कलेक्शन करती है।